हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को आप कैसे बंद कर सकते हैं इन्फिनिक्स फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को कैसे ऑफ कर सकते हैं, और कैसे अपने फ़ोन से अलार्म टाइमिंग को हटा सकते हैं इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो बताने वाले हैं कि अलार्म्स को कैसे हटाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, जिसमें से तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो अलार्म्स वगैरह को आप कैसे हटा सकते हैं और बंद कर सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है। तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशंस पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो अलार्म वगैरह को बंद कैसे कर सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं कि आपका जो अलार्म वॉल्यूम है इस तरीके से ऑफ कर सकते हैं। सिंपली आप अलार्म टोन्स वगैरह भी बंद कर पाएंगे, सिंपली बस आपको नॉन ऑप्शन पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, तो अलार्म टोन वगैरह भी बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है आपके फ़ोन में। बैक करते हैं क्लॉक आइकन्स, तो क्लॉक आइकन्स पे क्लिक करना है, क्लॉक पे क्लिक कर देना है, तो क्लॉक इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपके फ़ोन में। अलार्म टाइमिंग ऑफ करना है तो इस तरीके से इस पर क्लिक कर देना है, ऑफ हो जाएगा। या फिर किसी भी टाइमिंग को डिलीट करना है तो इस तरीके से क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं, और अलार्म टाइमिंग डिलीट भी हो जाएगा और हट जाएगा। तो इस तरीके से अलार्म को बंद कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने इन्फिनिक्स GT20 Pro फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस का आप यूज़ कर पाएंगे, क्लॉक टाइमर स्टॉप वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।